हरि बोल सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। 1100 कलश लेकर कथा स्थल पर पहुंची महिलाएं हरि बोल सेवा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 24 फरवरी से 3 मार्च तक होने जा रही है, जिसका शुभ आरंभ आज कलश यात्रा के साथ हुआ। बल्केश्वर चौराहे से महालक्ष्मी मंदिर तक महिलाओं ने 1100 कलश लेकर कथा स्थल पर पहुंची। एक भव्य नज़ारा ही बल्केश्वर महादेव मंदिर रोड पर देखा जा रहा था। 12 वर्षीय बाल व्यास किशोरी खुशी इस कथा का रसपान करने जा रही हैं। जगह जगह पर कलश यात्रा का भव्य स्वागत देखने को मिला। 12 वर्षीय खुशी किशोरी के मुखारविंद से सुनने के लिए भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ बल्केश्वर चौराहे से शुरू होकर के महालक्ष्मी प्रांगण में पहुंचेगी और यहाँ ये देख रहे होंगे, यहाँ भव्य दृश्य दिख रहा होगा आपको। 11 से कलश यहाँ उठाए जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे 1100 कलश उठाए गए हैं यहाँ शक्ति सुशील मंदिर से और शुरू होकर के यहाँ जगह जगह पर यहाँ स्वागत रखा गया है और सभी का स्वागत होगा यहाँ पर, यह सभी बहनों का। और ये कलश यात्रा भव्य शोभा यात्रा लग रही है यहाँ पर बल्केश्वर क्षेत्र सेवा समिति के बैनर तले एक 12 वर्षीय बालिका की जो वृंदावन से चलकर आई हैं, उनकी 7 दिवसीय कथा बल्केश्वर महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में होने जा रही है। उसी के अंतर्गत ये 1100 महिलाओं की कलश यात्रा बल्केश्वर चौराहे शक्तिशील मंदिर से प्रारंभ होकर बल्केश्वर महादेव मंदिर होती हुई कथा स्थल महालक्ष्मी मंदिर पहुँचेगी। कितने कलश इस कथा के अंदर 1100 कलश महिलाओं ने भाग लिया है। आप सभी को जितनी भी हमारी आगरे की जनता जीवन जनता के इनसे अपील है कि इस बालिका की मुखारविंद से जो रस बहने जा रहा है उसका आनंद लें।